नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित नगीना की, जहां नगीना नगर पालिका परिषद में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा को लेकर एक कार्यक्रम के संबंध में नगर के सम्मानित व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में फूड इंस्पेक्टर धीरज राय वर्मा ने व्यापारियों को जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका से 3000 झंडे बनवाए गए हैं, जो नगर के स्कूलों व प्रतिष्ठानों और सम्मानित व्यक्तियों द्वारा लगवाए जाएंगे। तिरंगा भारतवर्ष की शान है और इस तिरंगे को घर घर लगवाना है। इसका मुख्य बिंदु है आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के मनाया जाना है, जिसमें नगर पालिका स्तर से 3000 झंडे बनवाए गए हैं, जिसमें वो झंडे व्यापारियों को, स्कूल्स, पत्रकारगण को, असम्भ्रांत व्यक्तियों को दिए जाएंगे, ताकि झंडे को वो अपने सम्मानता के साथ में अपने प्रतिष्ठान, अपने घरों पर, अपने संस्थाओं में, स्कूलों पर वो लगा सकें। अब झंडा जब लगाया जाए बड़े सम्मान के साथ में, बड़े गर्व के साथ में लगाया जाए और आसपास के व्यक्तियों को बताया जाए कि आज ये झंडा लगाने का उद्देश्य क्या है, किस लिए लगाया जा रहा है और ये क्या कार्यक्रम कब से कब तक चल रहा है। ये कार्यक्रम 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक मनाया जाना है। इनमें पूर्ण कार्यक्रम की योजना तैयार कर ली गई है, जो पालिका स्तर से प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं कुछ व्यापारियों ने अपने अपने विचार भी रखे। हमारे भारत की शान तिरंगा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस दौरान व्यापारी विकास मल्होत्रा, सचिन वर्मा, लवी मित्तल, तिलक राज, राजू विश्नोई, आशु विश्नोई, मनोज टंडन, घनश्याम शेट्टी, अकील अहमद आदि सहित व्यापार मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।